गाइस, वेलकम टू द चैनल. गुड मॉर्निंग. एंड इट्स करेंटली 11:10 एंड नाउ ऑल सेट टू गो. हम फाइनली आर्ट काउंसिल जा रहे हैं अभी. अभी हम अंदर जा रहे हैं. हम आर्ट काउंसिल के गेट के बाहर हैं. Literally so nervous right now. मुझे समझ नहीं आ रहा what to do. I'm finally here at art council. So मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ and now I'm just searching for my paintings. Believe me, मैं इस paintings को देख के इतना ज़्यादा खुश हूँ. I'm so like happy right now कि इसकी कितना प्यारी paintings बनाई है and she is almost my age. बस इसका 1% talent मुझ पर आ जाए. यू गाइस कैन सी के ऐसा कुछ डिस्प्ले में लगी हुई है सबकी पेंटिंग्स एंड मैं भी आप लोगों को मेरी पेंटिंग्स भी दिखाती हूँ. हेयर यू गो, यहाँ पर दो मेरी पेंटिंग्स लगी हुई है एंड इसी के ऑपोजिट वॉल पे एक और लगी हुई है. फाइनली अभी काफ़ी टाइम वेट करने के बाद चीफ गेस्ट आ गए एंड वैसे ही वीडियो बनाने पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मे बी वहाँ पर मीडिया वाले थे. सो ये हो सकता है. पीजी आए हुए फड़ा जब पीजी की पेंटिंग करा. ये मेरी, ये दो मेरी है और वहाँ पर देखे ये आपकी नहीं, ये इनकी पेंटिंग सेल हो गई है माशाल्लाह से. ये मेरी दो एडी जो कि अभी तक नहीं हुई है. ये दिस इज ए थर्ड वन जो कि अभी तक नहीं हुई है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. प्लस इनका जो डीजी है उन्होंने कहा है किसी की सेल नहीं हुई तो वो हम कर ही देते. तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा. अच्छा है. तो अभी बेसिकली 1:30 बज रहे हैं एंड चीफ गेस्ट जो थे उनके बाद कोई और विजिट करने इतने लोग नहीं आए हैं एंड वी आर जस्ट वेटिंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज देयर इज नथिंग टू डू. कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके लिए मैं रिसेप्शन जा रही हूँ. नहीं, क्या अमेजिंग सा लग रहा है कुछ इतने बड़े और इतना बड़ा ईजेल भी होता है. मैंने पहली बार इतना बड़ा ईजेल देखा है. सो बेसिकली अभी जो है हमने पूरा कपड़ा फाइन आर्ट वगैरह पूछा है. ये है आर्ट काउंसिल है एंड बस बहुत अच्छा जा रहा है बट मेरी पेंटिंग अभी तक कोई सेल नहीं हुआ एंड आई एम होपिंग कि हो जाए. यहाँ पर आई एम थिंकिंग कि कैनवासेस बनते हैं. If you guys can see na, can you see something? Now I am having some fries. So I just got home and honestly मुझे बहुत ज़्यादा like I am very happy कि मेरी art council में आज paintings लगी. I am very happy कि and blessed कि मेरा first time I mean second time art काउंसिल में लगी है बिकॉज वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है फॉर मी. ठीक है, जिनको बिल्कुल इस चीज़ों की नॉलेज नहीं है. मैं लिटरली फर्स्ट टाइम आर्ट काउंसिल गई थी एंड माय एक्सपीरियंस वाज रियली गुड. बट आर्ट काउंसिल में आपकी पेंटिंग लगी इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग देखने आए होंगे और सारी ही सेल आउट हुई होगी. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ऑनेस्टली मैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. मुझे आई डोंट वांट टू लाइक
बेसिकली हम गए, पेंटिंग्स लगी हुई थी वहां पर ऑलरेडी, काफी लोगों को पेंटिंग्स पसंद आए लेकिन कुछ प्राइजेस इशू थे तो उन्होंने बाय नहीं किया, दैट्स इट। बट वहां के जो कमांडर थे दे ही सेड कि अगर इन केस किसी की भी पेंटिंग सेल नहीं होती, बिकॉज इक्वली सेल होनी चाहिए पेंटिंग्स, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी सारी पेंटिंग्स खुद खरीदेंगे, खुद बाय करेंगे, वील पे देम, एंड उस पे ये होगा कि हम जो वो पेंटिंग्स है वो हम अपने हेडक्वार्टर्स में बेसिकली लगाएंगे। सो हाँ, ये चीज बहुत अच्छी की उन्होंने, उनके कमांडर ने, बट काफी लोगों की पेंटिंग सेल हुई, चार से पांच पेंटिंग सेल हुई, बट मुझे एक चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि आपने पेंटिंग्स लगा तो ली है, ठीक है, पेंटिंग्स लगा लिए, फॉर एग्जाम्पल ये रूम वो जगह है, आपने पेंटिंग्स लगा ली बट लोग ही नहीं है। लाइक व्हाट इज दिस एग्जीबिशन का मतलब यही होता है ना कि लोग आके एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं पेंटिंग, ओपिनियन शेयर करते, बट वहां पर लोग ही नहीं थे। बाहर एक इवेंट हो रहा था, पूरा कॉमिक इवेंट टाइप कुछ तो था, वहां पर बहुत सारे लोग थे, तो उनको ये चीज करना था कि दे हैव टू बी लाइक कि अंदर एग्जीबिशन है, अगर आप लोग यहाँ कॉमिक इवेंट में आए हो तो यू हैव टू विजिट देयर ऑल्सो, ठीक है। बट अंदर मुश्किल से 15-20 लोग, वो भी टाइम टू टाइम, और हम सुबह, यकीन करो हम सुबह लाइक 10 बजे के निकले हुए, वहां पर हम 11 बजे पहुंचे, 11 बजे से वी वर देयर ओनली, और अभी बज रहे हैं कुछ 5:30, जस्ट मैं अभी होम आया हूं। इस पूरे टाइम में सुबह 11 से अभी तक देर वर ओनली 20-25 पीपल नहीं थे। मे बी उन्होंने इतना ज्यादा मार्केटिंग नहीं किया होगा, मे बी उन्होंने इतना ज्यादा सोशली लोगों को इनवाइट नहीं किया होगा, तो वहां पर मुझे बस ये गलती लगी उनकी कि भले पेंटिंग सेल नहीं हो रही है, भले नहीं हो रही यार, हमें कोई मसला नहीं पेंटिंग सेल ना हो, बट इफ यू से ना एग्जीबिशन, तो इसका मतलब कि बहुत सारे लोग आए होंगे, आपकी पेंटिंग्स देखी होगी, एक्सप्लोर किया होगा, राइट। तो बट यही चीज मुझे बस समझ नहीं आई, बट अदर देन दिस लाइक बहुत अच्छा एग्जीबिशन था, बहुत अच्छा जो है डिस्प्ले था पेंटिंग का, एंड वहां का एनवायरमेंट वॉज अमेजिंग। लाइक मुझे 2 दिन पहले ये चीज पता चली कि मेरा एग्जीबिशन है, आई मीन डिस्प्ले है पेंटिंग का, एंड आई वॉज लाइक मैं हंसे थी। आर्ट काउंसिल इज अ वेरी बिग प्लेस फॉर पेंटर्स, या वहां पर मेरे जैसे पेंटर्स बेसिकली ऐसे उनके दिमाग में भी नहीं होता कि वहां पर पेंटिंग्स आनी है, बट पता नहीं कैसे पेंटिंग्स आ गई, ऑल थैंक्स टू रुकैया। मैं उनका पेज नीचे डालू की रुकैया ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो स्कूल था वहां पर अपॉर्चुनिटी दी थी, एंड देखा जाए तो उसके थ्रू ही मुझे ये चीज मिली है। अगर मैं उसके थ्रू स्कूल नहीं जाती, वहां पर डिस्प्ले नहीं करती, तो वहां के जो रेंजर्स थी वो मुझे यहाँ के लिए सेलेक्ट नहीं करती। सो रुकैया को रियली थैंक यू। बिसाइड द ऑडियंस वाला पार्ट, उसके अलावा सब कुछ वॉज रियली अमेजिंग। वहां का एनवायरमेंट, वहां की चीजें बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने गई, और बस बहुत अच्छा। सो थैंक यू सो मच गाइड फॉर वॉचिंग दिस छोटू सा व्लॉग, और जिसमें मैंने बेसिकली अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड मैं बहुत ऑनेस्ट रही हूँ इस वीडियो में। सो अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो एंड मेरा फर्स्ट डिस्प्ले एट आर्ट काउंसिल, सो डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट दी बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट, और प्लीज लाइक कर दो यार, 2 सेकंड लगते हैं वीडियो को लाइक करने में, अगर अभी तक देखा है तो नीचे जाके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऐसे बस क्लिक कर देना। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।